एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मायसेल्फ गीतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जो कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, बट अगर आप इसको समझ लो तो आपको बहुत आसानी होगी हर चीजों को समझने के लिए। तो कंसेप्ट है आपका मिक्सचर। मिक्सचर से समझो, क्या समझते हो? मिक्सअप होना किसी के साथ, ठीक है, एक चीज, दो चीज, तीन चीजें क्या होती हैं एक साथ, मिक्सचर। देखो मिक्सचर से ना बताए, जैसे कि नमकीन वगैरह खाते हो घर में, क्या होता है वो? मिक्सचर होता है बहुत सारी चीजों का। तो वही समझ लो, जैसे कि हम बोलते हैं किसी पर्सन को ये मिक्सअप है, मतलब वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। और दूसरे पर्सन को बोलोगे ये मिक्सअप नहीं हो रहा, इस मतलब घुल मिल नहीं सकता। वैसे ही केमिकल की टर्म्स में जो मिक्सचर है आपका, वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड आता है आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे डिफरेंस पूछे जाते हैं कई बार। आपको होमो से एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, हिट्रो के एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, बट फर्स्टली आप समझो होमो टर्म क्या है, हिट्रो टर्म क्या है, ठीक है। यहाँ तो फर्स्ट मिक्सचर की बात की गई है, बट पहले होमो, जहां पे भी होमो यूज होगा या हिट्रो यूज होगा, जरूरी नहीं है मिक्सचर ही होगा, कुछ और चीज की बात भी करी हो सकती है, बट होमो का समझना जरूरी है कि होमो और हिट्रो का मेन मीनिंग क्या होता है। होमो मतलब सेम सेम। अब सेम सेम का क्या मतलब है? जैसे कि आप क्या करते हो, आपने फ्रिज में लिया, ठीक है, पानी डाला, उसमें क्या किया, एक स्पून शुगर ऐड कर दी, ठीक है। तो आप क्या पता लगा पाओगे शुगर कहाँ, जैसे इस पोर्शन में शुगर है, क्या यहाँ शुगर है, क्या यहाँ शुगर है, या यहाँ शुगर है, पता लगा पाओगे? नहीं, क्योंकि जो शुगर है वो पूरी तरह सेम थ्रू आउट है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि होमोजीनियस मतलब कोई पर्सन है मिक्सअप हो जाता है, इसलिए अच्छे से स्वीटली एक दूसरे के साथ बात कर रहा है, तो वो आ गया आपका होमो, मतलब होम, मतलब होम की तरह अच्छे से सबके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मतलब अच्छे से रह सकते हो, ठीक है। तो वो आ गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब दो चीजों को जब ऐड किया जाता है तो हम पता नहीं लगा सकते कि आपका कौन सा है, दो सब दो पर्सन है, पता नहीं लगा सकते ये क्या होंगे मिलके एक बना देगा, ये डिफरेंस नहीं पता लगा सकते एक कितना है दूसरा कितना। वो एग्जांपल है होमो। देखो एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, और क्या सकता है, शुगर इन वाटर। अब देखो मिल्क में क्या है, प्रोटीन्स होते हैं, क्या पता लगा सकते हैं प्रोटीन कहाँ, जैसे इस पोर्शन में प्रोटीन है, मैं ये पोर्शन खाऊंगा मुझे प्रोटीन की जरूरत है, ऐसा थोड़ी ना होता है, मिल्क में प्रोटीन होती है, ठीक है। तो मिल्क किसका एग्जांपल आ सकता है, देखो होमो से समझिए, सेम थ्रू आउट, ठीक है, मतलब सेम, मतलब उसमें पता नहीं लगा सकते आप डिफरेंस कितना है, कि एक मोल कितना है दूसरा कितना है, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हिट्रो। देखो मैंने पहले ही बोला है आपको ये समझो हिट्रो, अब हिट्रो कुछ भी आ सकता है बाद में, हिट्रो का जब भी यूज होगा मतलब सेम नहीं होगा थ्रू आउट, ठीक है, डज नॉट सेम थ्रू आउट, ठीक है। क्या मतलब इसका, कि आप पता लगा सकते हो कि एक समान है दूसरा समान है, जैसे कि ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल क्या होता है, वाटर में मिक्स नहीं होता, तो आप उसकी बाउंड्रीज पता लगा सकते हो इजीली, ठीक है। फिर नेक्स्ट और कौन से एग्जांपल होते हैं, अब सैंड को इन वाटर में डालो, आप पता लगा सकते हो ना कि सैंड कहाँ जैसे है और वाटर कहाँ जैसे है, जिसमें क्या होता है आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से आइडेंटिफाई कर सको कि ये डला है इतना अमाउंट है, ये डला है तो इतना अमाउंट है, तो वो आ गया आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जांपल ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है। अब जो हेटरोजीनियस मिक्सचर है इसको कैसे कर सकते हो, आप अलग कैसे कर सकते हो इसको ना, हेटरोजीनियस मेथड को ना फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हो, ठीक है, फिजिकल मेथड यूज फॉर सेपरेशन, ठीक है, बट इन केस ऑफ होमोजीनियस आपको नहीं पता कि कैसा है, कैसे है, कैसे नहीं है, तो इसको फिजिकल मेथड से आप यूज
अलग नहीं कर सकते, आपको इसके लिए केमिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें हम यूज कर सकते हैं फिजिकल मेथड, आप चाय पत्ती ले लो, चाय पत्ती को फिल्टर करते हो अलग कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर करके भी आप घर में दाल वगैरह छांटते हो तो आप क्या कर सकते हो, दालों दाल के जो कंकड़ पत्थर है अलग कर सकते हो। तो ये सिंपल मेथड से भी आप कुछ चीजों को, आप हिट्रोजीनियस चीजों को अलग कर सकते हो। बट होमोजीनियस के केस में ऐसा नहीं है, ये सेम है थ्रू आउट। आप थोड़ा ना देख पा रहे हो कि मिल्क में प्रोटीन कहाँ जैसे है, विटामिन कहाँ जैसे है कि मैं अलग कर लेता हूँ। इसके लिए क्या होता है, स्पेशल मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस में, ठीक है। ये देखो अब अच्छे से आप यहाँ से नोट्स बना लीजिए इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आपको इसके एग्जाम्पल और पढ़ने हैं या आपको एग्जाम्पल आते हैं इसके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये तो समझ आ गया आपको होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस। यहाँ से आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर दीजिएगा होमोजीनियस में डिफरेंस क्या है, हिट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।